भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी, ये मैं बात नहीं कह रहा, ये बात कही है भारत के सुपरस्टार बल्लेबाज युवराज सिंह ने। ठीक है, अब निकाले गालियां जाकर उनको। ठीक है, मैं जब बोलता हूं ठीक है, तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में तरह तरह की गालियां देते हैं। जब मैं कहता हूं कि भाई पाकिस्तान के पास अच्छा मिडल ऑर्डर है, उनके पास अच्छी ओपनिंग जोड़ी है, उनके पास अच्छे तेज गेंदबाज है, उनके पास अच्छे जो है वो ऑलराउंडर है, ठीक है, तो तब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि आप पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। अब युवराज सिंह ने भी वही बात बोल दी है। ठीक है, देखिए युवराज सिंह ने बिल्कुल सच बोला है, भारतीय टीम तब तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी जब तक इनका मिडल ऑर्डर अच्छा नहीं होगा। और अभी जो है वो अभी हम पाकिस्तान को कहते थे कि भाई पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी जो केएल राहुल है वो भी इंजर्ड है, ऋषभ पंत जो है वो भी इंजर्ड है, और उसके बाद अगर बात की जाए श्रेयस अय्यर की, वो भी इंजर्ड है। तो भाई मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाला कौन बचा हुआ है बाकी? भाई सबसे पहले इनको फिट करना होगा। ठीक है, अभी एशिया कप सर पे आ चुका है आपका। ठीक है, अभी एशिया कप में गड्डी कट्टा निकल जाएगा। ठीक है, कि भारतीय टीम में कितना ज्यादा दम है, और जेशा को लेकर जितनी ज्यादा बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है, जेशा के मुंह से सिर्फ यही बातें निकलती है कि भाई पाकिस्तान जो है वो भारत में आना पड़ेगा उनको, और यहां पर आकर खेलना पड़ेगा उनको। तो भाई ऐसी बातें ना किया करें यार, इन चीजों से हटकर कुछ अपनी टीम का भी सोच लें। ठीक है, पूरे दुनिया की क्रिकेट टीमें हैं, जो 10 टीमें हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, वो सब जो टीमें अपनी अपनी जो है वो टीम वर्क कर रहे हैं, और हमारे इधर सिर्फ यही प्रोपोगंडा किया जा रहा है जी, हाँ पाकिस्तान से एशिया कप छीन लिया जाए, हाइब्रिड मेडल को एक्सेप्ट करवा लिया जाए, और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं आता तो ना आए, हम उनके बगैर वर्ल्ड कप करवा लेंगे। भाई उनके बगैर भी वर्ल्ड कप करवा के आप कैसे जीत लेंगे? ठीक है, इतना ही डर है पाकिस्तान से, तो आप सीधे अल्फाज में उनको बोल देंगे भाई आप ना आए, हमें हम आपसे डरते हैं। मुकाबला करें यार उनका, 2014 में आए, ठीक है, उन्होंने मुआयदा किया था कि भाई हम बायलैटरल सीरीज खेलेंगे आपके साथ, और उसके बाद बीसीसीआई ने पता क्या बोला था, भाई पहले आप आए ठीक है खेले हमारे देश में, और फिर हम आपके देश में खेलने जाएंगे। और इंडियन टीम आई, सॉरी पाकिस्तान टीम आई यहां पर, और इंडिया को ठोक के चूना लगा के चलेगी। ठीक है, और उसके बाद उस वक्त से इंडिया ऐसा डरा हुआ है ना पाकिस्तान से, तो ना तो कोई बाल लेटर सीरियस उनसे खेलता है, आईसीसी का इवेंट खेलना इनकी मजबूरी है, वरना ये डर के मारे उनसे आईसीसी का इवेंट भी ना खेले। अभी देखे वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है, तो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच रख दिया जी 1,35,000 क्राउड के सामने, ताकि उनके ऊपर क्राउड का प्रेशर होगा। भाई उनके ऊपर क्राउड का प्रेशर नहीं होगा, जरा आप ठंडे दिमाग से सोचें। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि मैं बोलता हूं, जरा आप ठंडे दिमाग से सोचें, 1,35,000 का क्राउड होगा ना, वो भारत के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, उनको पता है कि भाई हमने जो है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, और इस क्राउड को जो है वो चुप करवाना है। और भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर ये होगा कि भाई अगर हम पाकिस्तान से हार गए तो हमारा क्या किया जाएगा, जिस तरह से हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया में खेलने आती है और अच्छा परफॉर्म करती है तो भारतीय जो जनता होती है वो ग्राउंड के अंदर पानी की बोतलें वगैरह फेंकना शुरू कर देती है, मैच को रुकवा देती है। तो भाई डरने की क्या जरूरत है यार, मुकाबला करें, ये क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट समझकर खेलें। ठीक है, ये जान से मार देने वाला खेल कोई थोड़ी है। ठीक है, अभी एशिया कप में उन्होंने हमें हराया, ठीक है, इवेंट से बाहर कर दिया। 2022 के वर्ल्ड कप की अब खुशकिस्मती समझे कि विराट कोहली के बल्ले से 2 छक्के आ गए, ठीक है, वरना तब भी हम जो है वो पहले राउंड से बाहर हो चुके थे, और हमारी टीम को जो है कुत्ते वाली तो खैर अब भी हमारी टीम की हुई है, जिस तरह से हम 2022 का सेमीफाइनल हारे हैं 10 विकेटों से इंग्लैंड से, पहले हम 10 विकेटों से हारे थे पाकिस्तान से, उसके बाद 10 विकेटों से हम इंग्लैंड से हारे, उसके बाद अपने घर में ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेटों से हारे। भाई क्या 10 विकेटों से हारने की हमने क्या कसम खा ली है यार, खुदा का खौफ करे। इतने अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं आपके पास, रोहित शर्मा, उसके बाद देखे शमन गिल, अच्छा शमन गिल की बात आ गई, शमन गिल का कंपैरिजन ऐसे करते हैं बाबर आजम के साथ, पता नहीं उसने यार कुछ 150 मैच खेल लिया हो यार, अभी कोई उसकी ऐसी बारी मुझे दिखा दे जिसका आइडिया को फायदा हुआ हो। WTC के फाइनल में तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, फिर आप कहते हैं कंपेरिजन बाबर आजम के साथ, जब बाबर आजम का कंपेरिजन विराट कोहली के साथ किया जाता है तब आप कहना शुरू कर देते हैं जी बाबर आजम जो है वो उन्होंने अभी तक सिर्फ 100 मैच खेला है, अभी उनको 200 मैच खेले थे, फिर कंपेरिजन करें। तो आप क्यों करते हैं भाई शमन गिल का बाबर आजम के साथ कंपेरिजन? 29 शतक लगा चुके हैं बाबर आजम अभी तक, ठीक है ना, तो ये जब लगाएंगे ना तब जाके कंपैरिजन करना, जब बाबर आजम के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई जेशा साहब के आगे मैं हाथ जोड़ता हूं यार, इस तरह का प्रोपोगंडा छोड़ें, ठीक है, एशिया कप करवाएं, ठीक है, जहां पर भी करवाना है करवाएं, तो वैसे बनता तो पाकिस्तान का हक है, और
लेकिन अभी जो प्रोपोगंडा चल रहा है नरेंद्र मोदी का, ठीक है, तो जहां पर भी करवाना है करवाएं, लेकिन प्लीज अपना मिडल ऑर्डर जो है वो उसको सेट करें, ठीक है, वरना युवराज सिंह की बात सच होने वाली है, हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान की टीम जो है इस वक्त, जिसको अभी भी कुछ भारतीय कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो है इंडिया में नहीं जीत सकता, मुझसे लिखवा लो, पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत खतरनाक टीम है, ठीक है, उनके पास मिडल ऑर्डर, उनके पास ओपनिंग जोड़ी अच्छी है और उनके पास आर राउंडर है। देखिए शदाब खान, इमाद वसीम, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच को किसी वक्त भी निकाल के लेके जा सकते हैं। इवन शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अभी हालिया दिनों में आपने देखा है ना, उन्होंने फाइनल में PSL के फाइनल में किस तरह से छक्के लगाए थे मुल्तान सुल्तान को, ठीक है, इस बात को अपने जहन में रखकर आपने 15 अक्टूबर को मैदान में उतरना है, ठीक है। तो अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है भाई, पाकिस्तान की टीम बहुत भारी है, ठीक है, अभी जिसको बुरा लगता है तो लगने दें, हम तो सच बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफा जाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत, बाय बाय।